स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऑक्सीलियरी वर्ब्स अभी तक हम वर्ब्स के लिए दो वीडियो जारी कर चुके हैं जिनमें आपने देखा वर्ब्स क्या होते हैं वर्ब्स के फॉर्म्स v1 v2 v3 v4 v5 उनको कैसे फॉर्म करते हैं उनके बारे में जानकारी ली इसके बाद आपको ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया गया अभी इस वीडियो में हम ऑगजिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स जिसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे लेट्स स्टार्ट तो ये हम बता चुके हैं वर्ब्स जो हैं क्रियाएं ये दो तरह की होती हैं लेक्सिकल वर्ब्स और ऑगजिलरी वर्ब्स लेक्सिकल वर्ब्स मेन वर्ब्स के हम बारे में आपको बता चुके हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स या जिनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं वो ये तीन प्रकार की हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स ठीक है इनके बारे में हम क्या फैक्ट होते हैं वो बात करेंगे इस वीडियो में इसके बाद मॉडल या मॉडल्स की वीडियो हम जारी करेंगे उससे पहले हम आपका बेस बना रहे हैं किस तरीके से आप बर्ब्स के बारे में जानकारी लें उसके बाद फिर हम मॉडल ऑगजलरी बर्ब्स इनके बारे में मार्जिनल ऑक्जलरी बर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम ऑगजलरी बर्ब्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है तो ऑग्जलरी बर्ब्स या इसको हेल्पिंग बर्ब्स भी बोलते हैं क्या होती हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ये आप देखें वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस वॉइस मूड जो मॉडल्स के लिए होता है मूड इत्यादि बनाने में सहायता करें ठीक है ऐसी क्रियाएं वर्ब जो मेन वर्ब को जो मेन वर्ब होती है हमारी लेक्सिकल वर्ब जिसको बोलते हैं उसका टेंस बनाने में जैसे हम जितने भी टेंस पढ़ते हैं उसमें मेन वर्ब आती है ठीक है ना तो जो मेन वर्ब आती है उसको बनाने में सहायता करती हैं ऑगजलरी वर्ब्स क्योंकि ऑग्जरी का अर्थ ही होता है हेल्पिंग मदद करने वाली वॉइस आप जब एक्टिव पैसे वॉइस पढ़ेंगे तब भी वर्ब का यूज होगा ऑग्जलरी वर्ब्स का मूड मॉडल्स में तो ये सभी जो हैं ऑगजलरी वर्ब्स कहलाती हैं ठीक है इंग्लिश में हम बात करें तो द वर्ब्स विच आर यूज टुगेदर विथ मेन वर्ब्स टू हेल्प दैम द फॉर्मेशन ऑफ टेंसिस को आर कॉल्डरी और हेल्पिंग एक्सेट्रा में हेल्प करें ऑगजरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है अब यहाँ ये एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं मोहन इज रीडिंग ए बुक मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें रेड कलर से जो इज है ये अग्जलरी वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स है दे हैव ईटन हैव अग्जलरी वर्ब्स है यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर तो शुड अगजलरी वर्ब्स है ठीक है रेड कलर से आपको जहां भी हम इंडिकेट कर देते हैं ये जो दिखती हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती हैं बहुत सारी आप देखते होंगे आपने अभी तक जितना पढ़ा है तो एक मान मानके चले नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑक्स होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ठीक है हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्जली बर्फ ट्वेंटी फोर होती है कौन सी होती हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हम इस वीडियो में कौन सी वर्ब्स के बारे में कौन किन वर्ब्स के रूल्स के बारे में बात करेंगे इज़ आर एम वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड और टू शुड मस्ट कैन कुड मे माइट शेल विल वुड नीड डेयर यूज टू ये चौबीस प्रकार की हैं नंबर ऑफ़ अगजली वर्फ्स आर ट्वेंटी फोर इनके कुछ फैक्ट जो होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो अभी हमने बताया आपको जैसे कि वर्फ्स दो प्रकार की थी वर्ब्स और ऑक्जलरी वर्ब्स अब ऑक्जलरी वर्ब्स के हमने तीन प्रकार बताए प्राइमरी ऑग्जलरी वर्ब्स मॉडल ऑक्जलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्जलरी वर्ब्स अभी कौन कौन सी होती हैं वो आपकी स्क्रीन पर हमने हम आपको दिखा रहे हैं तो प्राइमरी ऑग्जलरी वर्ब्स जो होती हैं जिन्हें कि टू बी वाली कहते हैं टू बी फॉर्म जिसको कहते हैं इसमें बी इज आर एम ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनको आप अच्छे से राइट डाउन कर लें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा हम इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका ख़त्म कर देंगे जो बहुत कन्फ्यूजन बने रहते हैं सारे कन्फ्यूजन खत्म कर देंगे बी फॉर्म होती हैं तो इसमें बी इज आर एम बाजर बीन और बींग ठीक है जिनमें बी आ जाता है तो वो बी फॉर्म जिसको बोलते हैं टू बी फॉर्म ये होती हैं और दूसरी प्राइमरी वर्ब्स टू हैव वाली होती हैं जैसे हैज हैव हैड या हैविंग इस तरीके से हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं ये टू हैव वाली फिर टू डू जिसको हम डू डज डिड बोलते हैं ये टू डू वाली तो ये जो है, हैं इज एम रहे बाजबर बीन बींग हैज हैव हैड हैविंग टू डज डिड ये अधिकतर हम टेंस में देखेंगे इनका टेंस में यूज होगा एक्टिव पैसिव में यूज होगा जैसे जैसे हम आगे आप पढ़ते चलेंगे आगे की वीडियो आते चलेंगे तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में तो बहुत कुछ तो हम टेंस में सिंपल टेंसों में बता चुके हैं पहले की वीडियोस में और आगे ये चलता रहेगा सिलसिला हैजै हैड के बारे में भी हम टेंस आपको जारी कर चुके हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे प्राइमरी वर्ब्स का यूज हुआ है टेंस में हमारी जो सीरीज है ये वर्ब्स फॉर्म वाली ये आगे बढ़ रही है मॉडल्स की तरफ इसलिए हम बेसिक ले रहे हैं पहले तो दूसरा जो प्रकार है वर्ब्स का वो होता है मॉडल ऑक्जलरी वर्ब्स यानी जिसमें आपने देखा हो कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट और टू ये और इसके अलावा कुछ ये मार्जिनल ऑक्जलरी वर्ब्स कहते हैं यूज टू डेयर और नीड क्योंकि ये वर्ब्स और मेन वर्ब्स का भी काम करती हैं सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं इनको हम आगे इसमें बताएंगे मार्जिनल ऑग्जेलरी बर्फ जो है वो मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं इनको तो ये तीन प्रकार की बेसिक आपको ऑग्जलरी बर्फ हैं ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी होती हैं अब जो वीडियो का उद्देश्य है वो ये है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्जलरी बर्फ्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने हैं तथ्य जो कि आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानते होंगे कुछ नहीं भी जानते होंगे तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी जैसे कि हम रूल फर्स्ट की बात करें तो जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि जो हमने बताएं ये वाली कैन कोड मे माइट शैल शुड वेल वुड मस्ट और टू ये जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही यूज होती हैं मेन वर्ब्स में इनका यूज नहीं होता ये पहला बेसिक रूल है ठीक है ये सभी जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज होंगी मेन वर्ब्स के रूप में यूज नहीं होंगी जैसे यू ही कैन हेल्प मी तो यहाँ पर मॉडल लग्जरी वर्ब्स कौन सी है कैन ठीक है ना तो ये इनकी बात कर रहे हैं हम यू विल गो देयर टमोरो विल it may rain today may he could pass the exam could we must respect our teachers must ठीक है ये helping verb के रूप में use होती हैं कभी ये main verb के रूप में use नहीं होती ये पहला rule है second rule आप देखें model auxiliary verbs का आपको पता है कि v1 v2 v3 या v4 जिसको G form बोलते हैं वी फाइव जो हमारा ऐसा ई एस वाला फॉर्म होता है ये नहीं होते हैं इनका एक ही फॉर्म होता है ठीक है इनका कोई वी वन वी टू वी थ्री वी फोर या मतलब इसमें आई एन जी नहीं लगा सकते कैन कोड मस्ट शुड, वुड जो भी है इनमें हम ऐसा ई एस नहीं लगा सकते इनमें हम आई एन जी नहीं लगा सकते इनका कोई सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं होता ठीक है ये जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं ठीक है तो मॉडल ऑक्सिलरी बर्ब्स जो हैं वो इनके फॉर्म्स नहीं होते हैं और इनका प्रयोग दूसरी बात सभी प्रकार जो के जो नंबर्स और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है यानी सब्जेक्ट आपका कर्ता जो है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे इन हेल्पिंग वर्ब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जैसे आप देखें सामने ही आई कैन स्पीक फ्रेंच मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ यू कैन स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश बोल सकते हो ही कैन स्पीक उर्दू वह उर्दू बोल सकता है तो यहाँ पर देखिए कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमने यहाँ में नहीं देखा कैन के लगने से यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट आई है यू है ही है यानी पर्सन नंबर कुछ भी है सिंगुलर है प्लुरल है कोई फर्क नहीं दिखेगा कैन है तो कैन ही रहेगा इसके बाद स्पीक इस में एस आई एस आई एन जी ये सब कुछ नहीं लगा है ये कैन का कैन है तो इनका कोई फॉर्म नहीं होता ये रूल हुआ तीसरा आप नीचे देखें तीसरा रूल ये है कि जनरली जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है जनरली इनके बाद में जो हम मॉडल वर्ब्स की बात कर रहे हैं इनके बाद में यदि हैव या बी है आ जाए तो वो एक अलग बात है वो उसके रूल हम आगे बताएंगे पर अभी ये जो दिख रहे हैं आपके सामने जो ट्वेंटी फोर है मॉडल अक्जरी इनमें से जो मॉडल लक्जरी वर्ब्स हैं टोटल लक्जरी वर्ब्स जो हैं ट्वेंटी फोर उनमें से मॉडल्स जो हैं इनके इनका फर्स्ट फॉर्म का इनका प्रयोग मेन वर्ब का होता है इनके बाद में अर्थात इनके बाद में हम इंफिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप देखें यू कैन गो तो आपको ये दिख रहा है यू कैन गो ये सही है सेंटेंस ठीक है यहाँ पर मतलब हम ये जो लिखा है रूल में कि मॉडल ऑफ वर्ब्स के साथ में एम बी की फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनेटिव विथ टू नहीं आता है ठीक है यू कैन गो ये सेंटेंस सही है आप ये नहीं लिख सकते यू कैन टू गो यानी कैन के बाद में आप टू नहीं लगा सकते तो ये बताने की कोशिश की है तो यह आप ध्यान रखें कि के ये जो मॉडल लक्जरी वर्ब्स हैं उनके बाद में आ, हम इंफिनिटिव विथ टू प्रयोग नहीं करेंगे कुछ जो है ऑट टू यूज टू उनकी बात अभी करेंगे वो इनसे अलग हैं थोड़ा सा तो आइए देखते हैं यहां हम इसको ले रहे हैं इस रूल में कि ऑट और यूज इनके बाद में इंफिनेटिव विथ टू आ जाता है हो जाता है प्रयोग जैसे हम तुमको तो दिख रहा है वी ऑट टू हेल्प द वीक तो यहाँ पर देखिए ये ऑट टू लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ इन्फिनेटी विथ टू है ये दो के साथ में ऐसा है मतलब इसमें यदि हम ऐसे लिखेंगे कि ऑट हेल्प द वीक यानी ऑट के बाद हम टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ठीक है ना ये हमने बता दिया है ये गलत हो जाएगा तो ऑट के बाद आपको टू लगाना ही है अब यहाँ ये बात देख लें कि जब फिलिंदा ब्लैंक्स आता है तो ऑट टू का प्रयोग जनरली आता है तो ऑट के बाद में हमको टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है ये आप एग्जाम में ऐसे सेंटेंस देख सकते हैं ये देखें दे यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग ठीक है वह सुबह घूमा करते थे तो यहाँ पर यूज के बाद में टू लगा हुआ है अकेला यूज यद आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ये आपको याद रखना है ठीक है ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में तो विथ टू आता है और टू यूज टू बाकी कैन, मस्त और जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनके बाद टू विथ टू नहीं आता है अगला रूल है रूल फाइव देखें आप कुछ मॉडल्स हैं जिनकी हमने बात की मार्जिनल ऑग्जलरी वर्ब्स जिनको हमने बोला है जैसे नीड डेयर यूज का प्रयोग मेन वर्ब्स की तरह भी हो सकता है यानी ये ऑक्जलरी तो है ही मेन वर्ब्स की तरह भी हो सकता है अतः इन्हें मार्जिनल ऑक्जलरी वर्ब्स या इनका दूसरा नाम मार्जिनल मॉडल्स या फिर इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है अलग तो अलग नाम से अलग अलग ग्रामर बुक में आपको ये चीजें मिल जाएंगी अलग अलग टीचर इनको अलग अलग नाम से बता सकते हैं तो ये तीन वर्ब्स हैं नीड डेयर यूज इनका हम मेन वर्ब्स की तरह भी प्रयोग हो सकता है ठीक है तो दोनों तरीके से यूज हो सकता है इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्जरी वर्ब्स कहते हैं जैसे आप सेंटेंस देखें ही नीड्स माई हेल्प तो यहाँ नीड में देखिए आप एस लग गया है क्योंकि अभी आपको बताया कि मॉडल ऑक्जरी वर्ब्स में कोई वी वन वी टू वी वी फॉर्म नहीं होता आई नहीं लगती है सहीज नहीं लगता पर ये चूंकि तीन वर्ब्स ऐसी हैं जो मेन वर्ब्स का भी काम करती हैं तो इनके साथ में देखिए ही नीड्स माई हेल्प उसे मेरी जरूरत मेरी मदद की आवश्यकता है ठीक है तो नीड के साथ एस लगा हुआ तो यहाँ पर नीड यूज एज मैन वर्ब नीड का उपयोग मैन वर्ब की तरह हुआ है नीचे देखें शी नॉट डेयर टू गो देयर ठीक है शी डज नॉट डेयर टू गो देयर वह वहां जाने का साहस नहीं करती है डेयर माने साहस करना तो यहाँ पर डेयर जो वर्ब है ये आपको दिख रही है साहस करना ये मैन वर्स के रूप में है डेयर यूज एज एम वी एम वी माने मैन वर्ब मैन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है तो ये कुछ ऐसी हम इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसे फैक्ट बता रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है इन सबको आगे मॉडल्स को या इनको पढ़ने से पहले हम ये चीजें इनके बारे में जान लें। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है रूल 6 आप देखें कि जो हमारी ट्वेंटी फोर अग्जलरी वर्फ उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब तथा ऑग्जलरी वर्ष दोनों ही रूप में हो सकता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को इस वीडियो में जरूर जान लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये जैसे ये सेंटेंस लिख रहा है आपको ही इज ए टीचर अब यहां पर इज मैन वर्ब के रूप में है ठीक है तो इज मैन वर्ब के रूप में है क्यों दूसरा सेंटेंस देखें ही इज ईटिंग अब यहां इज वर्ब्स के रूप में है पहले सेंटेंस में इज क्या है वर्ब ही इज इज ईटिंग पर क्या है है वर्ब्स ठीक राम हैज अ कार राम के पास कार है तो यहां पर हैज क्या है वर्ब है मनोज हैज गॉन तो हैज में यहां हैज क्या है वर्ब्स है आई डिड इट यहाँ डिड क्या है मेन वर्ब है आई डिड नॉट स्विम यहाँ डिड क्या है ऑग्जली वर्ब्स है तो आप कहेंगे कि ये सब क्या है ठीक है तो इसके बारे में ही हम बताने जा रहे हैं ये जो ट्वेंटी फोर हमारी ऑक्जली वर्ब्स हैं उनमें से कुछ ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब तथा वर्ब्स दोनों ही रूप में हो सकता है इसलिए हमने इस तथ्य को क्लियर करने के लिए ये वीडियो जारी किया है तो अब यहाँ हम देखते हैं जब सेंटेंस में ये इसको क्लियर करेगा रूल आपको जो बताया गया है अभी रूल सिक्स में कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो यानी सिंगल वर्ब हो तो वह मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब ऑर्डनरी वर्ब फुल वर्ब होता है आप जो भी नाम से उसको जाने यदि उस सेंटेंस में एक ही वर्ब है सिंगल वर्ब है समझ रहे हो ना जो आप पढ़ते हो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी आप पढ़ते हो उसमें से यदि एक ही वर्ब है सेंटेंस में सिंगल तो वो मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब या फुल वर्ब होती है ठीक है यहाँ देखें ही हैज एन एरोप्लेन उसके पास एरोप्लेन है तो यहाँ पर हैज इस सेंटेंस में अकेली वर्ब है और कोई वर्ब नहीं आई तो यहां है इसमें तो यहाँ हैज क्या काम कर रही है मेन वर्ब का काम कर रही है सेकेंड सेंटेंस देखें वी आर टीचर्स हम शिक्षक हैं तो आर सिंगल वर्ब है इस सेंटेंस में तो यहाँ आर क्या हुई मेन वर्ब हुई ठीक है यानी यही क्लियर आपको करना है कि यदि सेंटेंस में सिंगल वर्ब है अकेली वर्ब है तो वो फिर उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे यानी इस तरीके से आप यहाँ देखें तो फिर जो पिछली स्लाइड हमने बताई अब इस चीज को आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा ही इज ए टीचर ठीक है अब इज यहां अकेला था तो फिर इज क्या हुआ verb. अब देखें, भी है और ईटिंग भी है दो हैं। इज है और ईट माने खाना ठीक है वह खा रहा है तो ईट वर्ब है दो हैं। तो फिर इज यहां क्या हो गई अग्जलरी वर्ब्स हो गई और ईट मैन वर्ब है ठीक है ना इज क्या हुई ऑक्सिलरी वर्ब हुई इट मेन वर्ब हुई यानी यदि सिंगल है जैसे इज ऊपर सिंगल है तो फिर ये मेन वर्ब है यदि इसके साथ में दूसरी वर्ब आ गई तो फिर इज क्या बन गई ऑक्सिलरी वर्ब बन गई राम हैज अ कार हैज सिंगल वर्ब थी तो हैज क्या थी मेन वर्ब पर हमने कहा मनोज हैज गॉन तो यहां हैज भी है गॉन भी है तो हैज क्या हुआ यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स हुआ ठीक है क्योंकि गॉन इसमें दी है वर्ब के रूप में आई डिड इट तो यहां डिड अकेला है तो डिड क्या है मैन वर्ब है पर ये सेंटेंस देखें आई डिड नॉट स्विम तो डिड भी है स्विम भी है दो वर्ब है तो फिर डिड क्या हुआ ऑक्सिलरी वर्ब हुआ तो यही फैक्ट आपको ये क्लियर करना है यहां देखें जब किसी रूल एट जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक इस बात को हम यहां क्लियर कर रहे हैं जो आपको बताई है जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक टू और मोर देन टू एक ही साथ आए हों दो या दो से ज्यादा वर्ब एक साथ आ जाएं। तो अंत में यानी लास्ट में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है तथा अन्य वर्ब जो भी होंगे वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं ठीक है यहां देखें मनोज हैज प्लेइंग तो यहां पर आप देखिए कौन कौन सी वर्ब हैं तीन है हैज है बीन है प्लेइंग है यहाँ तीन वर्ब हैं ठीक है तो यहाँ हैज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है बीन ऑक्सिलरी वर्ब है पर जो लास्ट वाली वर्ब है लास्ट कौन सी आई है प्लेइंग ये लास्ट वर्ब है हमारी यहाँ तीन है तो तीन में लास्ट कौन सी है प्लेइंग तो प्लेइंग क्या है मेन वर्ब है ये आपको समझना है ठीक है तो जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक एक ही साथ आए हो वर्ब तो अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है तथा अन्य वर्ब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं यहां देखें आई हैव बीन अ डॉक्टर तो यहां और बीन दो वर्ब हैं ठीक है तो यहां दो हैं तो हैव है ऑक्सिलरी है वर्ब और बीन है मेन वर्ब ये आपको समझना है यहाँ हमने क्या लिखा है दो या दो से अधिक ठीक है टू और मोर देन टू दो हो जैसे हमने बीन में दो हैं तो फिर पहला हैव ऑक्सिलरी है और बीन मेन वर्ब है या दो से ज्यादा हैं जैसे हैज बीन प्लेइंग तो तीन हैं तो फिर लास्ट वाला जो है प्लेइंग ये मेन वर्ब का काम करेगा बाकी दो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए तो ये रूल आपको जानना जरूरी है अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं ये जो हमने वीडियो में आपको खास बातें बताई हैं आपको ये चीज़ खुद करना है देखिए आप जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकते मैंने वीडियो बना दिया आपने कानों से वीडियो सुन लिया पर ये पक्का मानिए ये वीडियो आपको तभी याद रहेगा लंबे समय तक इसकी बातें जब आप खुद हाथ से कुछ करें या तो आप इन बातों को नोट कर लिया करें नोट डाउन करके अपनी फेर कॉपी बना लें ठीक है कुछ ना कुछ करें आप लिखेंगे नहीं तब तक ये बातें आपको याद नहीं रहेंगी आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन देखिए होमवर्क में क्या लिखा है हमने पिक आउट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड से वेदर दे आर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अब हम आपसे पूछेंगे आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस हम नीचे दे रहे हैं आपको और भी आगे स्लाइड पर आने वाले हैं ये आपको बताना है कि ये मेन वर्ब्स इसमें कौन सी है और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी है ठीक है रूल हमने बता दिया जैसे एक दो हम आपको करके बता देते हैं आई एम टीचर तो यहां पर एक ही वर्ब है तो एम क्या हुआ मैन वर्ब हुआ क्योंकि एक ही वर्ब आई है आई एम रीडिंग यहां दो हैं, एम भी है रीडिंग भी है तो एम ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग मैन वर्ब है ठीक है अब आगे की सेंटेंस आपको करना है इनमें आपको मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है छांट करके आप इन सेंटेंस को लिखें अपनी रफ कॉपी पर और उनमें से पिक आउट वन छांटना छांटें आप कि उनमें जैसे मैंने लिखा है ना मैन वर्ब कौन सी है और ऑक्सिलरी कौन सी है इस तरीके से आपको लिखना है तो आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे सेंटेंस हम एक बार आपको बोल देते हैं मोहन हैज बैग अगला यू हैव डन इट नेक्स्ट She has been an engineer. Next, we have no money. Reena writes a letter. Next, Mohan is reading a book. Next, who is going there? Next, was she a doctor? Next, Ramu can. टीचर नेक्स्ट वी शुड हेल्प द पुअर नेक्स्ट यू डू नॉट नो फ्रेंच नेक्स्ट चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ये तो हम स्क्रीन पर आपको कुछ टेस्ट हल्का सा वीडियो के तुरंत बाद आप ये कर लें इसलिए बता रहे हैं बाकी आप अपनी नॉलेज को साउंड करें कई आपके सेंटेंस आपके ग्रामर में बुक में या कहीं और दिए होंगे सीरीज गाइड में आप देखें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और लिखें आप चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स वॉट शुड बी डन हुम शुड आई इन्वाइट द रामायण वॉज रिटर्न बाई वाल्मीकि यू शुड वॉक The patient is quite fine. He has been a musician. She brought a glass of water. फिर है दे विल बी वर्किंग इन द फैक्ट्री जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप पूरा देखा करें लास्ट तक देखा करें तभी हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूरा होता है क्योंकि आप जब लास्ट में वीडियो नहीं देखते तो फिर हमारा नुकसान होता है ये आप देखें क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ते तो आप कृपया करके जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा सहयोग करें आप थोड़ा वीडियो को पूरा देखा करें लास्ट तक देखा करें ठीक है ना जिससे कि हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता रहे तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेज टेन मैसेजेस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर सिक्स टू सिक्स डबल फोर सेवन टू थ्री नाइन वन आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से अपना स्कूल नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके भेजें हम आपको लिंक भेज देंगे और आप ऐड हो जाएंगे यदि आप ऐड नहीं होना चाहते कोई बात नहीं आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएंगे आप जो देख रहे हो वीडियो उसके नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है ये आपको दबाना है ये हमारा चैनल का नाम है एम पी इंग्लिश क्लास है ये हमारा मोनो है आप जब भी सर्च करेंगे चैनल तो ये मोनो आपको दिख जाएगा उसमें आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे यदि किसी को वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के सर्च करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं किसी भी क्लास के सब्सक्राइब आप करेंगे तो उसके बाद में इस तरीके से जब वाइट कलर का हो जाएगा रेड कलर वाला यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है फिर बगल में बेल आइकॉन है आप ये दबाएं तीन ऑप्शन आएंगे इसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन दबाना है जिससे मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाता हूं वो तुरंत अपलोड करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक वाला थमे प्रेसन जरूर दबाएँ और दोस्तों को शेयर करें थैंक यू